students, today your subject is English and today we learn unit number 4 section 2 the woman and her fat hen. Ek woman aur uski badi moti hen yani murgi. Let's start this chapter. In a small village there was an old woman. Ek chote si gaon mein ek budhi aurat rehti thi. She was very simple but greedy. वो बहुत ही सीधी साधी थी पर लेकिन थोड़ी greedy यानी लालची थी. She had a big fat hen that laid her a fine egg every day. उसके पास एक बड़ी मोटी मुर्गी थी वो हर रोज एक बहुत अच्छा अंडा देती थी. She was the envy of the all the other women in the village. पर वह गांव की सभी महिलाएं यानी कि सभी औरतें उससे ईर्ष्या करती थी. Their hens were lazy. उसकी मुर्गियां आलसी थी. Not did they lay the eggs so nice and large. उसकी मुर्गियां इसके जैसे अंडे बहुत अच्छे और बड़े अंडे नहीं देती थी. But after some time the old woman got an idea. थोड़ी समय के बाद वो बूढ़ी औरत को एक आइडिया आया. Why not two eggs a day instead of just one egg at a time? एक ही समय में एक दिन में एक अंडे के बजाय वो एक दिन में दो अंडे क्यों नहीं? I will give my hen more corn. मैं मेरी मुर्गी को ज्यादा मकई के दाने खिलाऊंगी. Perhaps then she will lay two eggs a day instead of just one. इसलिए उसे वो एक दिन में एक की बजाय दो अंडे देगी. उसे ऐसा विचार है. So this woman fed her big fat hen with more and more corn. इसीलिए वो वुमन ने अपनी मुर्गी को ज्यादा से ज्यादा corn खिलाए. She stood by and मैट देन हैन इट इल ऑल अप. वो अपनी मुर्गी के पास खड़ी रही और मुर्गी ने सब खाना खा लिया. दिस मेड द बिग फैट हैन बिगर एंड फैटर. इसके लिए वो बड़ी सी मुर्गी और बड़ी और मोटी बन गई. शी बिकेम थ्रोली लेजी. वो पूरी तरह से आलसी बन गई. She refused to get up and walk about the yard. वो उसने उठना और यार्ड में यहाँ तक कि चलना भी बंद कर दिया. She stopped laying even one egg. उसने एक अंडा देना भी बंद कर दिया. The villagers laughed happily. सभी गांव वाले खुशी से हंस रहे थे. The old woman's hen had stopped laying eggs altogether. वो बड़ी बूढ़ी औरत की मुर्गी ने एक अंडा देना भी अभी बंद कर दिया. She had spoiled what was good by her deed. उस वो औरत ने अपने लालच में आके कुछ जो भी अच्छा था उसे भी खराब कर दिया. It is very interesting. Let's we understand second time this. In a small village there was an old woman. She was very simple but greedy. एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी. वो बहुत ही सीधी साधी थी पर थोड़ी लालची थी. She had a big fat hen that laid her a fine egg every day. उसके पास एक बड़ी सी मुर्गी थी जो हर रोज एक अच्छा अंडा देती थी. She was the envy of the all other women in the village. उस गांव में सभी महिलाएं उसे ईर्ष्या करती थी. Their hens were lazy. उसकी मुर्गियां आलसी थी. Nor did they lay the eggs so nice and large. उसकी मुर्गियां इसकी तरह बड़ा और अच्छा अंडा नहीं देती थी. But after some time the old woman got an idea. But थोड़े समय के बाद वो बूढ़ी औरत को एक आइडिया आया. Why not two eggs a day instead of just one at the time. एक ही समय में एक दिन में एक अंडे के बजाय ये मुर्गी दो अंडे क्यों नहीं दे सकती? I will give my hen more corn. मैं मेरी मुर्गी को ज्यादा corn खिलाऊंगी. Perhaps then she will lay two eggs a day instead of just one. इसकी वजह से
वो एक दिन में 21 बजाय 2 अंडे देगी. सो दिस वुमन फेड हर बिग फैट हैन विथ मोर एंड मोर कॉर्न. इसीलिए वो उस वुमन ने अपनी मुर्गी को ज्यादा से ज्यादा मकई के दाने खिलाए. शी स्टूड बाय एंड मेड द हैन एट इट ऑल अप. वो मुर्गी के पास खड़ी रही और मुर्गी ने सब खाना खा लिया. दिस मेड द बिग फैट हैन बिगर एंड फैटर. इसकी वजह से वो बड़ी सी मुर्गी ज्यादा से ज्यादा बड़ी और मोटी बन गई. शी बिकम थ्रोरली लेजी. वो पूरी तरह से आलसी बन गई. शी रिफ्यूज टू गेट अप एंड वॉक अबाउट द यार्ड. उसने उठना और यार्ड में चलना भी बंद कर दिया. शी स्टॉप्ड लेइंग एग इवन वन एग. उसने एक अंडा देना भी अभी बंद कर दिया. The villagers laughed happily. सभी villagers यानी कि सभी गांव वाले खुशी से हंस रहे थे. The old woman's hen had stopped laying eggs altogether. वो बूढ़ी औरत की मुर्गी ने अंडे देना बंद कर दिया. She had swallowed what was good by her greed. उसने लालच में आके जो भी अच्छा था उसे भी स्पॉइल यानी खराब कर दिया. We learn exercise of this. First is learning for fun. Question number 8. Tick the correct answer. First question is how many eggs did the hen lay? वो मुर्गी कितने अंडे देती थी? 1, 2, 3 या 4? Yes, 1. Very good. वो मुर्गी एक अंडा देती थी. Second is what did the old woman fed the hen with to get more egg? ओल्ड वुमेन ने उसे क्या खिलाया कि वो ज्यादा अंडे दे सके? ग्रेन, कॉर्न, वीट, ऑट. कॉर्न. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड द हैन बिकम बिगर एंड फैटर. वो मुर्गी कैसे बड़ी और मोटी बन गई? एंड द थर्ड आंसर इज द हैन बिकम बिगर एंड फैटर बिकॉज द ओल्ड वुमेन फेड हर विथ मोर एंड मोर कॉर्न. उसने अपनी मुर्गी को ज्यादा से ज्यादा कॉर्न खिलाया इसीलिए वो बड़ी और मोटी बन गई. फोर्थ इज व्हाट हैपेंड टू द हैन व्हेन शी एट मोर. मुर्गी ने जब ज्यादा से ज्यादा खाना खाया तब उसे क्या हुआ? स्टॉप्ड लेइंग एग, स्टार्टेड गिविंग मोर एग्स, लेड 2 eggs, लेड ओनली 1 egg. उसने अंडे देना ही बंद कर दिया. So, stopped laying egg. Five, was the old woman greedy? क्या old woman greedy? यानी कि लालची थी? तो कि yes. Next question number B. Say whether the statement is true or false. First is the hen laid many eggs every day. वो मुर्गी हर रोज बहुत सारे अंडे देती थी? No. So this is false. Second is the hen was small and weak. वो मुर्गी छोटी और weak थी? No. False. The woman was not happy when the hen laid only one egg a day. जो मुर्गी एक दिन में एक अंडा देती थी इसीलिए वो woman happy नहीं थी. This is true. The woman was jealous of all the other women of the village. वो woman बाकी गांव की दूसरी औरत से jealous थी? नहीं. वो woman नहीं थी. False. Fifth, the woman fed the hen with little corn. Woman ने वो मुर्गी को थोड़े corn दिए? नहीं, उसने तो बहुत सारा खिलाया था. सो फॉल्स. एंड लास्ट वन सिक्स द हैन स्टॉप्ड लेइंग एग्स. वो मुर्गी ने अंडे देना बंद कर दिया. दिस इज ट्रू. देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स रीड एंड सिंग. ऑल मैकडोनल्ड हैड अ फार्म. Let's start this. Old MacDonald had a farm, A-E-I-O-U. And on his farm, he had some chicks, A-E-I-O-U. With a chick, chick,
here and chick chick there, here chick chick there a chick, everywhere a chick chick, all met and had a farm, a e I o u. Now replace the word chick with duck, cat, dog, horse and make their sound. यहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे चीक वर्ड दिया है वहां पे आप लोगों को रिप्लेस यानी कि डक कैट डॉग हॉर्स ऐसे एनिमल के नेम रखने और डक का आवाज है क्वक क्वक कैट म्यू म्यू डॉग बाउ बाउ एंड हॉर्स नहीं नहीं तो उसके यूज करके नई पोएम बनानी. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द डक. चीक की जगह पे हम डक का यूज करते हैं तो All MacDonald had a farm, E-E-I-O-U, and on his farm he had some ducks, E-E-I-O-U, with a quack quack here, and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack, All MacDonald had a farm, E-E-I-O-U. ऐसे आप लोगों को और एनिमल के नाम लग के प्रैक्टिस करनी है. This is only activity. Then languages in use. Question number A. Compound words. A compound word is a word made up two different words. Compound word दो अलग अलग नामों से जो एक word बनता है उसे compound word कहते हैं. For example, not book. Not है और book है. दो अलग अलग word से एक word बन गया not book. क्वेश्चन नंबर बी है यू कैन सी सम वर्ड्स इन द सर्कल मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स इन द स्पेस बिलो. यहाँ पे आप लोगों को कई सारे वर्ड्स दिए जिसको ज्वाइंट करके आप लोगों को एक कंपाउंड वर्ड बनाना है. लेट्स सी दिस. जैसे कि सम थिंग एयर फ्लाई नून पॉट कैन ग्रैंड नॉट मदर be, after, cause and butter. अभी आप लोगों को इसका यूज करके कंपाउंड वर्ड बनाना है. दो वर्ड्स को मिक्स करके एक वर्ड बनाना है जैसे कि after and noon. So afternoon. Then air pot. Then next butter and fly. Then grandmother. Then some and thing. Something. Then next be and cause. Be cause. Then can and not. Can not. Then question number C, filling the blanks. First is, a letter sent on computer is called. Computer में जो भी letter हम send करते हैं, उसे कहते हैं email. दो words को mix किया और बन गया email. Then second is, a small diary to see phone number is called. एक छोटी सी diary जिसमें हम phone number रखते हैं, उसे कहते हैं phone diary. So, दो वर्ड्स फोन एंड डायरी एंड बन गया वर्ड फोन डायरी. देन थर्ड इज अ स्मॉल बस इज अ मिनी बस मिनी एंड बस सो हियर राइट मिनी बस. अ वेरी शॉर्ट ड्रेस इज कॉल्ड अ मिनी ड्रेस हियर राइट मिनी ड्रेस. फिफ्थ a small fan on table is called a table पे table में एक छोटा सा fan इसे कहते हैं table fan. तो here दो words table and fan made a compound word table fan. Then question number D use has or have in the following sentence. यहाँ पे जो भी blank दिए उसमें has or have का use करना है. First is my cow डैश अ शॉर्ट टेल. यहाँ पे आप लोग देखो आई वी यू
एंड दे और कोई भी प्लूरल नाउन हो इसके साथ आएगा हैव एंड शी ही और ईट और किसी सिंगुलर नाउन के साथ आएगा हैस। तो यहाँ पे है माय काउ यानी कि सिंगुलर नाउन, इसके साथ आएगा हैज। देन सेकंड इज वी डैश अ ब्यूटीफुल गार्डन एट होम, वी के साथ यूज करना है हैव, वेरी गुड। सो ब्लैंक में आएगा हैव। देन थर्ड इज माय फादर इज अ सिंगुलर नाउन, सो हियर डैश में यस वेरी गुड हैज अ कार। एंड फोर्थ इज आई डैश फॉर पेन, आई के साथ हैव, सो हियर हैव आई हैव, मेरे पास फोर पेन है। फिफ्थ वन इज मेरा डैश अ सिस्टर, मेरा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होगा हैज की, हैव यस वेरी गुड हैज, सो हियर हैज। एंड लास्ट वन इज द कॉफी डैश अ बैड टेस्ट, हैज और हैव, द कॉफी इज अ सिंगुलर नाउन सो हियर हैज, वेरी गुड। देन नेक्स्ट इज राइटिंग, फर्स्ट इज द मैच वर्ड दैट मीन द सेम, यहाँ पे दो वर्ड्स के मीनिंग सेम दिए। सो फर्स्ट इज सर्टेन, सर्टेन यानी टू बी श्योर, उसके उसके साथ सर्टेन के साथ टू बी श्योर। देन नेक्स्ट वर्ड दिया है आप लोगों को एवरी, एवरी यहाँ पे गलत वर्ड है, उसको इरेज करके लिखना है एनवी, एनवी का मतलब है जेलस, उससे ईर्ष्या करते थे तो जेलस। देन है रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज यानी किसी को जो भी काम नहीं करना है तो नॉट डू समथिंग। देन यार्ड, सॉरी यार्ड यानी कुछ भी खुली जगह है जहां पे एनिमल्स वॉक के लिए जाते हैं, और कॉट यानी कि कोई भी खुला फार्म उसे कहते हैं यार्ड। देन ग्रीड, ग्रीड यानी लालची, वांटिंग मोर। क्वेश्चन नंबर बी, राइटिंग वर्ड्स विच हैव द सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे आप लोगों को वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन जिसके सेम है उसके जैसा है वर्ड लिखना है, जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है पर उसका प्रोनाउंसिएशन सेम। जैसे कि एग्जांपल दिया है आप लोगों को देयर एंड देयर, देन नेक्स्ट बियर एंड बियर, नन नन, डियर एंड डियर, रेन रेन, सबका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है पर उसका मीनिंग डिफरेंट। स्टडी स्किल्स क्वेश्चन नंबर ए, मैच द फॉलोइंग, मैच द एनिमल्स टू देयर शेल्टर्स, यहाँ पे कौन जो भी एनिमल है वो कहाँ पे रहता है वो आप लोगों को मैच करना है। फर्स्ट है फॉक्स, फॉक्स कहाँ पे रहता है, यहाँ पे है बास्केट, लीफ, जंगल एंड आइसबर्ग, तो फॉक्स रहता है जंगल में, सो उसके साथ करना है जॉइंट जंगल, फॉक्स के साथ जंगल। देन है पैगविन, पैगविन्स रहते हैं आइसबर्ग, सो हियर। देन है कैट, कैट रहती है बास्केट में, सो हियर कैट के साथ बास्केट। एंड देन लास्ट कैटरपिलर, कैटरपिलर लीफ पे, सो इसके साथ ज्वाइन करो लीफ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द वर्ड्स, यहाँ पे आप लोगों को दो लेटर्स दिए हैं और यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्ड्स दिए, उसको कंप्लीट करने। फर्स्ट इज एस टी ए आर स्टार, सी ए आर कार, एफ ए आर फार,
and tar tar. Then en or यहाँ पे incomplete words. So here hen hen, pen pen, men men, den den. Next is ig, pig, pig, big, big, wig and dig, dig. Then an, van, van, fan, can, and ban. Work in pair. Ask each other if you keep any animal at home. How do they look after them? Make simple models of animal out of paper, plastic, and duff or clay. आप लोगों को कोई भी एनिमल का मॉडल बनाना है, वो एक्टिविटी कंपलसरी नहीं है. आप लोगों को कोई भी आइडियाज हो तो बना सकते हो, नॉट इज कंपलसरी. और यहाँ पे हमारा इंग्लिश इज फिनिश्ड इन नेक्स्ट वीडियो. और नेक्स्ट वी सी रिवीजन. वंदे मातरम.